हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवेलुएशन आईएएस। गाइस, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में लास्ट वीडियो हमने कवर किया था सॉइल्स को, ठीक है। इन द सेम वीडियो हमने मेंशन किया था कि हमारा अगला टॉपिक होगा डिजर्टिफिकेशन, क्योंकि सॉइल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वो टॉपिक। और बिफोर गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट, इसके डिटेल्स में जाने से पहले गाइस, एक मिसकॉन्सेप्शन को दूर करते हैं। कंसिडर करो इंडिया के वेस्टर्न फ्रंटियर्स में जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट उसकी बाउंड्रीज़ का एक्सटेंशन हो जाए, या फिर जो कहते हो कि उसका एरिया अगर बढ़ने लगे, तो क्या आप उसको डिजर्टिफिकेशन बोलोगे? आंसर इज नो, वो डिजर्टिफिकेशन नहीं होता है। रादर, अगर कोई फर्टाइल लैंड कन्वर्ट हो जाए डेजर्ट के अंदर बाय लूजिंग इट्स फ्लोरा एंड फौना, उसे हम बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। या फिर आप इसको साइंटिफिक टर्म्स में बोलो, किसी लैंड की जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है अगर वो कम हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो दैट इज समथिंग वी कॉल डिजर्टिफिकेशन। ये था गाइस कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब ये समस्या कितनी विकराल है कि यूनाइटेड नेशन भी कंसर्न है इसके लिए, और ये हैं हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस। इन्हें रिसेंटली स्पीच दिया इसके ऊपर कि देखो कितना कितना विकराल है, कितना बड़ा इशू है ये डिजर्टिफिकेशन। और तभी तो इन्होंने 1994 में ही इसके ऊपर कन्वेंशन, डेडिकेटेड कन्वेंशन लॉन्च किया गाइस, UNCCT, जो कि लीगली बाइंडिंग भी है। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है। फाइन, ऑफ कोर्स है, रिसेंटली इसका समिट हुआ था न्यू दिल्ली में गाइस। ओके, सो अब इसके डिटेल्स में जाएंगे गाइस, इसके काउसेज को देखेंगे, क्या इसके इश्यूज हैं। यस, सो नाउ हैव ए लुक, अब इसके काउसेज को देखते हैं। अब देखो, वो जो यूएन की वीडियो है गाइस, उस पर कॉपीराइट ना आ जाए हमारी वीडियो पे, तो प्लीज़ आप यूएन के यूट्यूब हैंडल पे जाके इनकी स्पीच आप सुन सकते हो। फाइन, सो यस, हैव ए लुक। अब जो डिजर्टिफिकेशन के काउसेज हैं, देखो, एक तो ओवरग्रेजिंग है गाइस, कि अगर ओवरग्रेजिंग होती है तो उससे क्या होता है कि जो लास्ट स्लाइड में मैंने बात की कि लैंड की जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। फाइन, तो ग्रासेस को रिप्लेनिश होने का मौका नहीं मिल पाता है ओवरग्रेजिंग के चलते, सो दैट्स वाई डिजर्टिफिकेशन अकर्स। देन गाइस, उसी से मिला जुला टॉपिक है, जबकि उससे बड़ा टॉपिक है इस, देखो, डिफॉरेस्टेशन। स्पेशली अभी न्यूज़ में था ब्राज़ील में जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है गाइस, ब्राज़ील में, या अमेजन के जंगल भी कट रहे हैं, दो आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, साथ में इसके सोशल एंगल भी हैं। क्यों? बिकॉज अगर डिजर्टिफिकेशन होता है तो फूड की इनसिक्योरिटी आती है, हंगर डेथ्स होते हैं, तो मतलब उसके इश्यूज हम डिस्कस करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज को, बट उसके पहले हम सारे इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नेक्स्ट इज योर अर्बनाइजेशन। फाइन, तो ये देखो, ये तो बहुत प्लेन से टॉपिक हैं जो जानते हो अच्छे से आप। और क्लाइमेट चेंज कैसे कनेक्टेड है गाइस, क्लाइमेट चेंज डिजर्टिफिकेशन के साथ कैसे कनेक्टेड है? देखो, IPCC की रिपोर्ट आई थी गाइस, IPCC की रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट ने दो बातें कही कि जो रेनफॉल, एक तो रेनफॉल ऐसे कम तो हुआ है, बट रेनफॉल अपनी इंटेंसिटी में बढ़ा है, समझ रहे हो? कितना रेनफॉल होना चाहिए तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी रेनफॉल किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कहीं पे ज़्यादा हो जा रही है, कहीं पे कम हो जा रही है। अब अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? फ्लड्स आएंगे, फ्लड्स के बाद क्या होगा? इस होगा सॉइल का इरोजन। फाइन, और सॉइल की जो अपर लेयर अगर वॉश आउट हो जाएगी तो क्या होगा? फिर होगा डिजर्टिफिकेशन। तो एक तो ये कनेक्टेड है, और दूसरा क्लाइमेट चेंज का जो अपोजिट एंगल हुआ, एक और एंगल जो कह सकते हो, दैट इज देखो, अगर कहीं पे ड्राउट आया क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम हुई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अल नीनो से कनेक्ट करो, क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट करो, तो डिजर्टिफिकेशन दोनों एंगल से क्लाइमेट चेंज से रिलेट होता है। फाइन, रेनफॉल ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, रेनफॉल नहीं है तो भी दिक्कत है। तो अगर मेंस में क्वेश्चन लिखने को आए, या प्रीलिम्स में अगर ऑप्शंस आ जाए कि क्लाइमेट चेंज का जो है कि ठीक है, रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ती है, तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि ठीक है, रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो ज़्यादा वेजिटेशन होगा, इट्स नॉट द केस। सॉइल की टॉप लेयर वॉश आउट हो जाती है, जहाँ पे जो न्यूट्री कॉन्टेंट है सॉइल का वो वॉश आउट हो जाता है। फाइन, तो ये थे इसके काउसेज गाइस डिजर्टिफिकेशन के। अब देखो, हमने पहली बार स्लाइड में डिस्कस किया था कि व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन, अल्टीमेटली है तो लैंड डिग्रेडेशन है ना, जैसे ओवरग्रेजिंग का हम किया डिस्कशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन किया। अब देखो, एक क्या है कि अगर एग्रीकल्चर की टेक्निक्स अगर अनसाइंटिफिक है, फाइन, तो वो भी बहुत हद तक
लैंड डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट करता है। तभी तो अभी अल्टरनेटिव्स की बात हो रही है ना, कि अगर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज जो एग्रीकल्चर मॉडल्स हैं अभी के मोस्टली अनसाइंटिफिक है, ठीक है। लैंड का डिग्रेडेशन होगा तो जिस लैंड पे हम एक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये जो खेती कर रहे हैं, फूड हम ले रहे हैं, तो दैट वुड बी डिस्ट्रॉयड। देन ओवर इरीगेशन, क्लाइमेट चेंज का किया हमने डिस्कशन। सो इस टाइप से जब भी आपको मेंस में आए क्वेश्चन, तो आप इन डायग्राम्स का यूज जरूर से करना। फाइन, सॉरी, नाउ हैव ए लुक, इसके इंपैक्ट्स की बात करते हैं। क्या क्या इसके मल्टीपल इंपैक्ट्स हैं डिजर्टिफिकेशन के गाइस? सबसे पहले देखो एग्रीकल्चर पे, फिर इन्वायरमेंट पे देखेंगे, देन पॉवर्टी वाले एंगल को देखेंगे। देखो बात की हमने कि फूड इनसिक्योरिटी आएगी गाइस, तो फूड इनसिक्योरिटी से क्या होगा? हंगर। फार्मिंग की जब क्वालिटी घटेगी तो क्या होगा? जैसे अभी जैसे सॉरी मैप थोड़ा कंसिडर करो, अफ्रीका है, अफ्रीका का जो ए रीजन है साहेल है, फाइन। तो अब आज हो सकता है जो यहाँ फार्मिंग हो रही है, हो सकता है कि आज के 20 ईयर्स बाद यहाँ पर डिजर्ट हो, तो उससे क्या होगा? वहाँ पर कुछ उगेगा नहीं। अब इंडिया की बात कर लो तो वी आर वाट, हम लोग एक एग्रेरियन इकोनॉमी है गाइस। तो अब डिजर्टिफिकेशन चलते हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में बड़ा थ्रेट आ जाए, हम जो क्वालिटी एक्सपोर्ट्स करते हैं वो हम कर ना पाए, अपनी जो जनता है, अपने लोग हैं, उनको हम फूड अवेलेबल करा ना पाए गाइस। सो ये था इसका एग्रीकल्चर वाला एंगल। अब इन्वायरमेंट एंगल कैसे है? अब एयर पॉल्यूशन, हाउ? अब देखो जो भी वेजिटेशन है गाइस, इट एक्ट एज ए फिल्टर एज वेल एज कार्बन सिंक। कार्बन सिंक एज ए कॉन्सेप्ट आई थिंक यू आर वेल अवेयर, ठीक है। कार्बन सिंक क्या होता है? अगर कोई भी चीज़, प्लांट्स या वाटर, अगर कार्बन को ट्रैप कर ले ना, कार्बन को जो एटमोसफेयर एयर है वहाँ से ट्रैप कर ले, अपने पास स्टोर कर ले, दैट इज समथिंग वी कॉल कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पॉवर्टी बिकॉज ऑफ दीज ऑल इशूज, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पैक्ट्स जो आप मेंस में लिखोगे। अब क्या क्या स्टेप्स ली जाना चाहिए कि ताकि हम डिफर्शन को हम ये कर पाएँ, काउंटर कर पाएँ? सबसे पहले गाइज वाटर मैनेजमेंट। अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ गए हैं, देखो ये क्या बात होती है जो स्प्रिंकल वाले इरीगेशन की, ठीक है। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं हमारे कंट्री में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस टाइप की स्कीम्स भी चलाई गई हैं जो कि वाटर मैनेजमेंट में बहुत ही कारगर है। नेक्स्ट इज गाइज डिफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करो, खास करके उन एरियाज में जहाँ पे एडिटी ज़्यादा है। देखो वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन का फ़ायदा नहीं है, अगर आप प्लांटेशन करो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वहाँ पे, या फिर राजस्थान के एरियाज में, तो वहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। सो यस, नेक्स्ट इज गाइस, नेक्स्ट इज साइंटिफिक एग्रीकल्चर। देखो इसकी बात हमने की थी पिछली स्लाइड में, अब इसमें एक क्या है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें बहुत सारी इसके कंपोनेंट्स हैं, बीज मित्रा, जीव मित्रा, तो इस पर क्यों फोकस किया जा रहा है? ताकि जो सॉइल की जो कैपेसिटी है वो रिस्टोर हो जाए, ठीक है, सॉइल का फर्दर डिग्रेडेशन ना हो। ऐसी बात होती है गाइस ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ओके। तो इनके डिटेल्स में हम आएंगे गाइस, इनके और वीडियोज़ लेके, आज के टॉपिक में बस इतना ही कवर करेंगे इसको, फाइन। सो यस, होल्ड ऑन, नाउ सॉइल प्रोटेक्शन। देखो सॉइल प्रोटेक्शन का मतलब क्या, कि अगर बहुत सारे जैसे कि सैंड बार्स का यूज़ कर लो, या फिर फेंसेज जो होते हैं उनका यूज़ करो, ताकि अगर फ्लड आ रहा हो ना, तो फ्लड के बाद सॉइल का जो टॉप लेयर है वो वॉश आउट ना हो जाए, वो भी एक स्टेप है डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बेट करने के लिए। नेक्स्ट इज गाइस सॉइल की मॉइस्चर को रिटेन करना। अब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट मल्चिंग, क्या है? एक मल्च क्रिएट करना, जैसे मान लो कि एक क्रॉप फील्ड है, ठीक है। सो आप इसके टॉप लेयर पे ही इसे बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर जो है, फॉडर है, बहुत सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे मिक्सअप करके डाल दिया। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मल्चिंग। तो ये क्या करता है, सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है, फाइन। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो कि डिजर्टिफिकेशन को काउंटर करने में यूज़फुल होते हैं। अब देखो इंडिया में क्या सीन है, इंडिया में जो इशूज़ हैं डिजर्टिफिकेशन की गाइस, जैसे कि मान लो कि अगर ओवरग्रेजिंग हो रहा है जिसका हमने डिस्कशन किया, सॉइल इरोजन हो रहा है, बिकॉज इंडिया में देखो इंडिया के कुछ स्टेट्स तो बिल्कुल फ्लड से कितने इंपैक्टेड रहते हैं, यू नो इट वेल, ठीक है। सो ये सारे इश्यूज़ हैं गाइस डिजर्टिफिकेशन में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक डेटा रिलीज़ किया UNCCT को, ठीक है,
ठीक है, उसमें कहा कि इंडिया ने पिछले 10 साल में अपना 30% से भी ऊपर अपना ग्रासलैंड को खो दिया है। फाइन, तो ग्रासलैंड्स को खोना के मतलब, खोने का मतलब क्या, अब दैट एरिया इज एक्सपोज टू एरिडिटी। फाइन, तो उसका फर्दर क्या हो सकता है, उसका डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट अंटिल अनलेस कोई अगर रोबस्ट स्टेप नहीं लिए गए तो। अब जो स्टेप्स हैं गाइस जो लिए गए हैं, तो इंडिया ने क्या किया, देखो इससे पहले भी ऐसा नहीं कि 1994 में ही स्टेप लिया, उसके पहले भी इन्वायरमेंट के लिए इंदिरा गांधी की मिनिस्ट्री ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, बट ये बहुत रिसेंट स्टेप्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया बिकम सिग्नेटरी टू द यूएनसीडीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। फिर पर्सनली इंडिया ने अपना एक डेडिकेटेड अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाया 2000 के अंदर, ठीक है। देन फाइनली एक जो प्रॉपर नाम के साथ में कि कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, प्रॉपर एक एक्शन प्लान लाया गया साल 2001 में। तो ये देखो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो गाइस, आपको आंसर्स लिखने में काम आएंगे, ठीक है। देन इसरो ने क्या स्टेप लिया कि एक प्रॉपर एटलस तैयार किया जाएगा कि जो वल्नरेबल लैंड है इंडिया में या जो ऑलरेडी जो आइडेंटिफाई हो गया है उसका एक एटलस तैयार किया जाएगा। फाइन, तो ये थे कुछ स्टेप्स जो कि इंडिया ने लिए हैं इसको कॉम्बैट करने के लिए। अब बारी आती है गाइस कि अब हम डिस्कस करेंगे यूएनसीजीडी को, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन। तो कब स्टार्ट हुआ गाइस, 1994 में, और इंटू फोर्स केम इंटू फोर्स 1996। तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं गाइस, क्या इसका एरिया है, इंडिया ने कब रेटिफाई किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू डिटेल्स, देखो ये स्टार्ट में बोला था हमने कि इट इज़ लीगली बाइंडिंग, ठीक है, इट्स लीगली बाइंडिंग। अब इसमें क्या है कि जब आप एसडीजी गोल्स को पढ़ते हो ना, उसमें क्या मेंशन है, इसी का मेंशन किया गया ना कि डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाना है, ठीक है। से उसी का बहुत अहम हिस्सा है ये यूएनसीसीटी। फोकस कहाँ है गाइस, ड्राईलैंड्स को, जैसे कि देखा हमने कि चलो एटलस तैयार किया इसरो ने, तो अब उस एटलस में क्या, कौन से एरियाज को फोकस किए जाएंगे, मैंने बोला कि जैसे देखो महाराष्ट्र है, सॉरी वेस्टर्न घाट्स है या नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट है, अंडमान है, यहाँ पे तो देखो ऑल आउट डिग्रेडेशन यहाँ पे भी है, लेकिन जो स्टेट्स हैं इंडिया के, कंसिडर करो इंडिया का अगर मैप बनाओ ऐसे, तो जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है, पंजाब में बहुत रिसेंटली एक इशू था डेटिफिकेशन का कि जो वहाँ वीट गेहूँ की खेती हो रही है, तो उसको एक स्कॉलर ने कहा कि भाई इसको फॉरवर्ड करो आप यूपी बिहार बंगाल के अंदर, अदरवाइज जो पंजाब है पूरा डिजर्टिफाई हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये एक बड़ा कंसर्न था गाइस। देन फर्दर आपको उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है, महाराष्ट्र का जो विदर्भ है, तो इन एरियाज़ में एरिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि एरियाज़ अगर ध्यान ना दिया जाए तो फ्यूचर में डिजर्टिफाई हो जाए। तो अब देखो क्या है कि ये कन्वेंशन इट ऑब्लिग्स नेशनल गवर्नमेंट्स टू टेक मेजर्स टू टैकल द इश्यू ऑफ डेटिफिकेशन। ये थे कुछ इसके डिटेल्स गाइस। और देखो इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है गाइस, यूएनसीसीडी कन्वेंशंस 2018 टू 30 स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर क्या है गाइस, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है मेंशन्ड, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ठीक है, कि लैंड डिग्रेडेशन की न्यूट्रलिटी LDN को हमें अचीव करना है, ठीक है। कहाँ फोकस करेंगे, देखो जो ऑलरेडी एरिड लैंड है या ऑलरेडी डेजर्टिफाइड लैंड है, जैसे अफ्रीका का जो साहिल रीजन है उसको फोकस करेंगे और उसको हम रिस्टोर कर लेंगे। दूसरा जो लोगों की लाइवलीहुड है उसको फोकस करेंगे, बिकॉज देखो बहुत सारे जगह पे हमने बोला कि जो एग्रीकल्चर है दैट इज नॉट साइंटिफिक, अनसस्टेनेबल, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। देन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट्स ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशंस, देखो पीपल से बॉन्ड बनाए करना, बिकॉज जो लोग उसकी हारमोनी में रहते हैं अगर उनका ध्यान नहीं रखोगे तो कोई मैटर नहीं है, मिलियंस ऑफ पैसे आप खर्च कर लो, द चैलेंज वुड बी द चैलेंज फॉर एवर। फाइन, तो इसीलिए क्या अप्रोच रहा है यूनिवर्सिटी का अब तक और आगे के लिए भी क्या रहेगा, बॉटम अप्रोच, ठीक है, लोकल्स के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को टैकल करना है, इस इश्यू को टैकल करना है। फाइन, अब देखो ये बहुत रिसेंटली, ये बस आज की ही न्यूज़ है गाइस जहाँ मैं वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ 4 जून की, ठीक है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की टू सेव पंजाब फ्रॉम डिजर्टिफिकेशन, आप द ट्रिब्यून की आर्टिकल पढ़ सकते हो गाइस आप गूगल करके, ठीक है। अभी देखो एक और चाइना का क्या है,
कि साइंटिफिक इनिशिएटिव्स मल्टी प्लेयर एफर्ट्स प्रूव चाइनास एंटी डिजर्टिफिकेशन ड्राइव इन इनर मंगोलिया। मंगोलिया में कौन सा डेजर्ट है आप कमेंट करके बताओ कि मंगोलिया में कौन सा डेजर्ट है, आपकी ज्योग्राफी की टेस्ट हो जाएगी। सो गाइस ये थे कुछ डिटेल्स इन वीडियो की। डिजर्टिफिकेशन का टॉपिक आज कवर होता है गाइस, UNCCT कवर होता है। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।